जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा तो दोस्तों ये मेरी 6 फुट की डिश पारस वालों की, ये थाईकाम पे सेट की है दोस्तों की फरमाइश पे कि अली भाई हमें यहाँ मल्टी सेटअप लगा के दिखाएं। तो ये सेंटर मेरा थाईकाम है, ठीक है जी। तो इससे के साथ मैं 70 डिग्री, 83 डिग्री के यू बैंड और मी सेट वो अटैच करूँगा, 4 आलमियाँ, ठीक है जी। तो वो आप देख लीजिएगा कैसे आपने लगानी है और कैसे आपने सेट करनी है। ये मेरे पास पड़ी हैं आलमियाँ, ये मैं अटैच करूँगा। इसको तो मैंने सेट कर लिया, तो इसके सिग्नल भी दिखा देता हूँ, तो फिर दूसरी आलमी लगा के तो फिर आपको वो भी चेक करवाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पास चैनल चल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी देख लें, ठीक है जी। ये चैनल है, ठीक है जी। ट्यूनिंग तो मैंने यहाँ लगा दी हुई थी, ये चैनल मेरे पास चल रहे हैं, अच्छे चैनल हैं यहाँ पे, चाइना के चैनल हैं। तो कुछ मूवी चैनल भी हैं, जैसे ये 2 नए मूवी चैनल्स हैं ये फॉर्मेट में, ठीक है जी। ये इन पे मूवीज़ लगती हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं आपको 70 डिग्री लगा के तो चेक करवाता हूँ, ये मूवी चैनल चल रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे स्काई के चैनल चलते थे, आजकल ये एक्शन मूवी 2-3 चैनल नए चले हैं, तो आगे आपको दिखाते हैं। 70 डिग्री लगा के उसके सिग्नल, ठीक है जी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने थाईकाम के साथ ये 70 डिग्री सेट करती है, बिल्कुल आसान है, आप भी लगा सकते हैं। और ये देख लें, अगर आपके पास 5 फुट की डिश है तो ये जो आर्टिशन है सुराखों वाली पत्री लगाई है, तो ये तो मेरे तीसरे सुराख में लग रही है। अगर आपकी छोटी डिश होगी 4 फुट की तो उस पर आपको ये 4 नंबर या 5 नंबर पॉइंट पे लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। तो मैंने ना इसका फ्रीक्वेंसी लगा के रखी है और सिग्नल बना रख के रखे हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके सिग्नल चेक कर लें आप, और यह फ्रीक्वेंसी देख लें, ठीक है, 11.96 है। अब तो इसको मैं ट्यून कर देता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने इसकी ट्यूनिंग लगा दी, ये चैनल आ गए, ठीक है जी। ये 9 चैनल इसके आए हैं यहाँ पे। तो अब आपको ना ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये चैनल चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि आप भी लगा लें, चैनल अच्छे हैं 70 डिग्री के। तो फिर मैं ना आपको ना अब मी सेट लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, वो कितने चैनल पे आ रही है, ठीक है जी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसके साथ मैंने ये मी सेट लगाई है 91 डिग्री, ठीक है जी। यहाँ पे पावर व्यू पे चैनल चलते हैं, नेशनल अपना ए एक्शन वगैरह, बीबीसी अर्थ वगैरह चलते हैं। तो ये मेरी जो पट्टी है ना, ये तकरीबन 7 इंच की है जो इसके साथ मैंने अटैच की है। तो आप लगा के तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है जी। तो ये आपको दिखा देते हैं, ये वाली फ्रीक्वेंसी MP2 रिसीवर पर भी आ जाती है, तो आप लगा के चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये देखें 37.04.42.90, ठीक है, ये लगा लें आप। तो ये थी मी सेट की, ठीक है जी। तो यहाँ पे चैनल और भी चलते हैं, तो मैं एक मरतबा यहाँ पे आपको ब्लेंड स्कैन लगा दूंगा, तो फ्रीक्वेंसी हैं तो ज़्यादा आ जाएंगी। फ़िलहाल ये आप UTV जो है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी लगा लें और इसके सिग्नल पकड़ें आप, ये देख लीजिएगा, और ये फ्रीक्वेंसी चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं दिखा सकता, ठीक है जी। तो अब आपको ना 83 डिग्री सेंटर में लगा के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जी दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये मैंने इसके साथ ये 83 लगा दिया टाटा स्काई, ठीक है जी। तो इसके भी मैं आपको सिग्नल चेक करा देता हूँ और चैनल भी ट्यून करके दिखा देता हूँ फ्रीक्वेंसी का, ठीक है जी। तो ये मी सेट है, ये टाटा स्काई है, ये थाईकाम, ये 70 डिग्री है, ठीक है।
ठीक है जी। तो ये यहाँ पे मैंने ये इसके सिग्नल बना के रखे हुए हैं, फ्रीक्वेंसी चेक कर लें, 10970 32। तो ये मैं इसको ना इसी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर दूंगा आपको, देख लें ये हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है जी। तो ये इसकी मैं सर्च लगा देते हैं एक ही टीपी की, ये देख लें जी, ठीक है जी। तो ये मेरे पास चैनल आ रहे हैं। तो इस तरह आप ये मल्टी सेटअप बनाएं, और दुआओं में याद कीजिएगा मेरे अली भाई। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।